आपका स्वागत है कैप्रॉन के नया वीडियो में, जिसमें हम आपको मोड सिलेक्शन कैलिब्रेशन मोड सिलेक्शन बताएंगे। ये हमारे पास तीन बॉटल्स हैं, 4, 7 और 9 पीएच की, 9.2, और ये हमें सॉल्यूशन बना रखा है 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। ये इलेक्ट्रोड इसमें दोनों सेटअप कर रखे हैं, और कैसे सेट करना है इसमें ऑलरेडी जो है ये टेम्परेचर 2 मोड में सिलेक्ट करके हमने बनाया है। 7.21 पीएच है, टेम्परेचर 28 है, एमवी है। अब आप देखिए यहाँ इसमें बताया हुआ है, हमारा मैनुअल है, इसके अंदर प्रोसीजर टेम्परेचर कैसे इंस्ट्रूमेंट चलाना है, कैलिब्रेट करना है, टेम्परेचर कैसे कैलिब्रेट करना है, पॉइंट कैसे कैलिब्रेट करना है, टेम्परेचर और ऑटोमेटिक कैसे करना है। अब मैं आपको इसका 5.2.3 कैलिब्रेशन, जनरली 2.3 कैलिब्रेशन यूज़ होता है, रिसर्च में 5 वाला होता है। इसको पहले स्विच ऑफ करेंगे पावर सप्लाई को, फिर इसका 497 बटन दबाते हुए और इसके साथ हमने प्रेस करके रखना है, स्विच ऑन पावर सप्लाई करके सेव बटन चलाना है। अब देखिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो बटन कह रहा है, ये सेव बटन यहाँ पे है, सेव और बटन और एम वी ये टेम्परेचर का। अब मैं आपको ये स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करा मैंने, ये दो बटन करे, ये कहता है सेट कैलिब्रेशन मोड। मोड सेलिब्रेट करने के लिए प्रेस कैल करेंगे तो 2 हो जाएगा, रीड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और सेव वाला बटन दबाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब मैं 3 करना चाह रहा हूँ, रीड वाला बटन ये है, ये दबाया तो ये 3 कैलिब्रेशन सिलेक्टेड। अब ये कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर पीएच मीटर है, 3 कैलिब्रेशन सिलेक्ट हो गया है, और ये इसकी है। अब कैसे कैलिब्रेट करना है उसके लिए यहाँ से बटन दबाना है, आप ये बहुत रेयर यूज़ करिए, और इसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर दे रखे हैं कैसे काम करना है। ये टेम्परेचर यहाँ से करना है, इसके लिए पहले इसको ऑन करना है और फिर इसको हमने कैलिब्रेट करना है। पहले यहाँ पे कैल बटन दबाना है, ये वाला बटन, कैल बटन 3 के लिए दबाएंगे तो ये पीएच मोड मांगेगा 4 वाला, तो 4 वाले सॉल्यूशन में डालेंगे, फिर ये मांगेगा 1 के बाद 7 वाला सॉल्यूशन, 7 वाले में डालेंगे, फिर 1 के बाद ये 9 वाला सॉल्यूशन मांगेगा तो 9 वाले में डालेंगे, और फिर उसके बाद कहेगा कैलिब्रेशन डन सक्सेसफुली। अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। और ये डिस्प्ले शोज वैल्यूज ऑफ पीएच एमवी टेम्परेचर, और प्रेस सेव टू सेव द डिस्प्ले वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है मैं इसको सेव कर देता हूँ ऐसे, सेव सैंपल 4 सेव। अब मैंने यही मान लो सैंपल 5 है, इसको मैं करना चाहता हूँ दोबारा, तो ये सैंपल अगर दबाऊँगा तो ये कर दिया, तो सैंपल 5 बन के सेव कर गया, इसके अंदर 100 सैंपल सेव हो जाते हैं। और कैसे इसकी मेमोरी रेज करनी है वो यहाँ दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए और Abron01 के ऊपर चैनल भेजिए मेल, व्हाट्सअप करिए Abron 9416020018। Abron एक्सपर्ट की हमारी अलग वीडियोस है कैसे वो वर्क करेगा ये इंस्ट्रूमेंट, कैसे टेम्परेचर कैलिब्रेट करना है, कैसे इसको मोड में जाना है, कैसे टेम्परेचर कैलिब्रेट करना है, कैसे इलेक्ट्रोड्स को कैलिब्रेट करना है सॉल्यूशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट को, और विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।